अभी आपकी एज क्या है? 24 24 साल के हो आप। हाँ। आप ये बताना चाहोगे कि लाइक यूजुअली आपने बताया कि 20 पैसे 22 पैसे के आसपास में आप पहले लिखते थे पर वर्ड के हिसाब से, आज आप एक आर्टिकल का कितना चार्ज कर रहे हैं? आज एक आर्टिकल का 20 से 25 हजार। 20 से 25 हजार रुपए, क्या बात है। तो आप जैसे लोग बोलेंगे यार ये तो ऐसे ही हवे में फेंक रहा है, तो कुछ अगर आप बता पाओगे कि कैसे हम प्रूफ कर पाए इस चीज को, अर्निंग प्रूफ या फिर कुछ ऐसा? मैं पेपाल या डील के अपने जो पे आउट्स आते हैं वो दिखा सकता हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे देवरिया डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, मतलब हमारे गांव के पास से ही हैं, लेकिन बहुत कमाल कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देवरिया के भी लड़के ऑनलाइन फील्ड में तबाही कर रहे हैं। भाई साहब फ्रीलांस कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट लिखते हैं, आर्टिकल बनाते हैं, और आर्टिकल बनाकर ये 4 से 5 लाख रुपए हर महीने बना रहे हैं। आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना? बिलीव करना पड़ेगा। नहीं भी कर रहे हैं तो ये वीडियो देखो, आपको हो जाएगा बिलीव, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश के वीडियो। पूरा प्रूफ के साथ हम बात करते हैं, मिलवाते हैं हम आपको आज के गेस्ट से, सुश्रुत जी से। स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सतीश भाई, कैसे हैं? तो भाई एक बात बताइए कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट से लड़का फ्रीलांस कंटेंट राइटर कैसे बना, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कहानी थोड़ी लंबी है। क्लास 8 तक मैंने देवरिया से पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद मैं बाहर निकल गया, 2 साल इलाहाबाद रहा, 2 साल लखनऊ रहा, फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन नोएडा से करी। उसके बाद मैं एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैपजेमिनी में, ग्रेजुएशन में बीटेक किया आपने? हाँ, बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। फिर उसके बाद 1.5 साल जॉब करी और पैसे कमाने की भूख थी शुरू से, तो फिर जॉब में पैसे नहीं मिले, जॉब में पैसे नहीं थे, सैलरी कम थी, तो फिर रास्ते खोज रहा था और आपके वीडियोस पे ही आया। अच्छा, से ब्लॉगिंग का नाम सुना, फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करी और फिर कंटेंट राइटिंग में घुस गया, तो तब से। ब्लॉगिंग में सफल नहीं हुए आप? ब्लॉगिंग में सफल नहीं। ब्लॉगिंग में क्या कर रहे थे? ब्लॉगिंग में मैंने अपना एक खुद का पर्सनल फाइनेंस ब्लॉग स्टार्ट किया था capitalistkevin.com से। अच्छा, उस पर 50-60 आर्टिकल्स अपलोड करे थे बट कुछ हुआ नहीं, तो फिर मैंने बंद कर दिया। ओके, तो राइटर कैसे बने आप? दादाजी मेरे स्कूल में हेडमास्टर थे, इंग्लिश के प्रोफेसर थे, तो वो शुरू से मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे, रोज एसेज लिखवाते थे, ठीक है। तो लिखने का इंटरेस्ट शुरू से ही था, बट कॉलेज में जब उसके बाद जब पैसे कमाने की भूख लगी, तो फिर मैंने देखा कि लोग लिख के भी पैसे कमाते हैं 8,000-10,000 महीना, तो उस टाइम मुझे लगता था कि 10,000 बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर मैं भी कोशिश करने लगा कि कहीं काम मिल जाए, मैं भी लिखूं और 8-10 हज़ार रुपये कमा लूं। तो आप जॉब के साथ साथ में आपने ये फ्रीलांसिंग शुरू किया? हाँ, आपने जॉब के साथ ही। तो जॉब का पैकेज बताना चाहेंगे क्या था? मुझे मंथली 28,000 रुपये मिलते हैं। 28,000 फ्रेशर से ही? 28,000? हाँ, 28,000 मिनिमम होता है, उससे कम आपको क्या ही मिलेगा। हाँ, जिसको जॉब ही नहीं मिला वो क्या बताएगा। जॉब मिला था मेरे को, लेकिन मैं किया नहीं था तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ऐसे सुनने में आता है कि 10-15 हज़ार में भी लोग बीटेक वाले जॉब कर रहे हैं, सच है? ऐसा मैंने तो नहीं सुना, मुझे तो मेरा ही सबसे कम लगा। अरे अभी एक रिपोर्ट में आया, पता चला कि 36% IIT मुंबई वाले, उनको जॉब ही नहीं मिला, उसका आइडिया नहीं मुझे। तो आपने जो पहला आपका जो क्लाइंट था जिसके लिए आपने लिखा था कॉन्टेंट, तो कितना पे किया था और कैसे कनेक्ट हुए थे आप उससे? मैं इंटर्नशाला एक प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू इंटर्नशिप खोज रहा था कॉन्टेंट राइटिंग में, तो वहां से मुझे वो क्लाइंट मिला था, और मैं रोज एक आर्टिकल लिख के देता था, महीने के 20-22 आर्टिकल्स, और मुझे 8,000 रुपये महीना पे करते थे। 20-22 आर्टिकल आप लिखते थे, 8,000 रुपये? 8,000 रुपये पे होते। और आर्टिकल किस टॉपिक पे होते थे? जनरल हाउ टूज होते थे कि विंडोज को लेके, एप्पल सर्विस, ट्यूटोरियल्स वगैरह, ट्यूटोरियल्स वगैरह। तो कैसे आगे फिर कैसे जर्नी बढ़ी आपकी शुरुआत? उस क्लाइंट के साथ मैंने 3 महीना काम किया, तो एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो बन चुका था मेरा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे जनरल आर्टिकल्स लिख के पैसे नहीं बना पाऊंगा, जिस फील्ड में माहिर हूँ, जिस फील्ड का काम मुझे आता है उसमें ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो मैं कैपजेमिनी में एज अ सेल्स फोर्स डेवलपर काम कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि सेल्स फोर्स पे आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो वहाँ से मैंने लगभग 1.5-2 महीना आउटरीच किया ट्विटर के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, तब जाके लास्ट में एक क्लाइंट मिला जो मुझे महीने के 30,000 रुपये पे कर रहा था, और मैं उन्हें 6 से 7 आर्टिकल्स लिख के देता, तो वो एक बड़ा जब था मेरे करियर। तो जॉब की 28,000 की सैलरी होती जॉब से, और 30,000 रुपये एडिशनल आप इनकम करने लगे थे। पास आउट कब हुए थे थोड़ा ये बता दीजिए? पास आउट में हो गया था जून 2021 में। 2021 में अभी आपकी एज क्या है? 24 24 साल के हो आप। हाँ। और 24 साल की डेट में आज भाई साहब 4 से 5 लाख रुपए बना रहे हो ये कंटेंट राइटिंग से ही। हाँ। बहुत बढ़िया यार। तो एक जॉब से शुरुआत करी आपने, फिर साइड हसल आपने किया, फिर साइड हसल को आज आपने मेन स्ट्रीम कैसे बनाया, उससे पहले ये बताइए कि आपने कंटेंट राइटिंग सीखा कैसे? जो मेरा पहले सीखने का मतलब कि जैसे देखो आपने जैसे बताया कि आपके दादाजी हेडमास्टर थे, तो इंग्लिश आपकी अच्छी थी, बट इंग्लिश का अच्छा होना और कंटेंट राइटिंग बहुत दूर दूर तक है, क्योंकि इंटरनेट के लिए जब आप लिखते हो, क्योंकि जो रीडर्स हैं ऑलरेडी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा उनके लेवल का होना चाहिए।
तो वो चीज कैसे आपने पकड़ा? तो जो पहला क्लाइंट था मेरा, उन्होंने पहले मुझे ट्रायल पे रखा एक हफ्ते के लिए। अच्छा, तो ट्रायल पे मैंने 5 आर्टिकल्स लिख के देने थे उनको। तो जो मैंने पहले 5 आर्टिकल्स लिख के दिए वो बहुत बेकार थे, उनका क्रिटिक बहुत खराब था। तो फिर वीकेंड के दिन बैठ के, सैटरडे का दिन था मुझे याद है, उन्होंने 3 घंटे तक ऑनलाइन मीटिंग करी थी और मुझे A to Z सिखाया था। क्या क्या सिखाया था? कि ब्लॉग्स लिखते कैसे हैं, हेडिंग्स कैसे लिखते हैं, सब टाइटल्स होते हैं, H1, H2, H3, H6 तक आप कैसे यूज करते हो, कीवर्ड्स कहाँ कहाँ प्लेस करने हैं, ये सब चीजें उन्होंने सिखाई थी। फिर वहां से फिर वो जो 3 महीना मैंने काम किया, वही एक तरह से आप कह लो कि वो क्लाइंट मेरा मेंटर। तो कहने का मतलब कि पैसे भले कम मिल रहे थे लेकिन लर्निंग बहुत बड़ी वहां पे मिली। लर्निंग बहुत बड़ी मिली वहां। गाइस यहां पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कई बार लोग बोलते हैं यार मैं करूं क्या। मैं तो बस बोलता हूं कि भाई जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है ना, जैसे भाई ने इंटर्नशिप ढूंढना शुरू किया था, वैसे ही आप छोटा मोटा काम ढूंढ लो किसी ऐसे के साथ में कि जो उस काम में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो या फिर काफी टाइम से कर रहा हो, और उसके साथ जब आप काम करोगे ना तो वो काम आपको सिखाएगा। आप सिर्फ पैसे कमाने के उससे जाओगे ना तो मे भी आप पैसे थोड़ा बहुत कमा भी लो बट आप कुछ सीख नहीं पाओगे। बट अगर आप सोचोगे कि चल कम ही कमाऊंगा लेकिन सीखने को मिलेगा, तो लर्निंग जैसे भाई अभी 4-5 लाख कर रहे हैं, तो अभी आते करंट में भाई आप क्या क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, थोड़ा बताओ। करंट में मेरा फ्रीलांस राइटिंग का काम चलता ही है, साथ ही मैंने एक पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी स्टार्ट करी है जिसको स्टार्ट किए लगभग 7-8 महीने हो गए। उसमें मैं टेक फाउंडर्स के लिए पर्सनल ब्रांड्स क्रिएट करता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम। तो उसमें क्या करना होता है? तो उसमें हम उनकी कहानियां जानते हैं कि शुरू से अब तक उन्होंने क्या क्या अचीव किया, कितनी बार सक्सेस हुआ, फेल हुआ, फिर उनको हम स्टोरीज में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब वो वीडियो में चाहते हैं तो हम वीडियो फॉर्म के लिए स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, अगर वो टेक्स्ट पे चाहते हैं तो उनके लिए वो A to Z पूरा पोस्ट लिखते हैं, फिर उसको पब्लिश करते हैं, एंगेजमेंट लाते हैं, फॉलोइंग बढ़ाते हैं, ये पूरा काम। ओके, मतलब कि बेसिकली कि उनके ही अचीवमेंट्स को यूज करके कंटेंट उसके अराउंड क्रिएट करते हैं और फिर पोस्ट करवाते हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो क्या चार्जेस लेते हैं उसके? डिफरेंट पैकेजेस हैं, जो मिनिमम पैकेज है वो हमारा $1,500 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम $4,000 तक जाता है। और लोग ये भी सोच रहे होंगे भाई कंटेंट राइटिंग में 4-5 लाख रुपए कैसे बना रहे हैं आप, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि शुरुआत आपने 8,000 से करी थी। शुरुआत 8,000 से हुई थी बट दिक्कत यह है कि आजकल हर कोई लिख देता है कि I am a कंटेंट राइटर, बट उनको कंटेंट राइटिंग आती नहीं, उनको क्लाइंट्स लेना नहीं आता, रिजल्ट्स डिलीवर करना नहीं आता। तो जो मेरा पहला क्लाइंट था उसने पे तो बहुत कम किया था, बस उसने मुझे काम सिखाया, और उस काम के बेसिस पे जब मैं धीरे धीरे बड़े क्लाइंट्स को उठाने लगा तो फिर मुझे समझ आया कि जो मार्केट दिखती है और जो मार्केट है वो बहुत अलग है। अगर आप आज भी YouTube पे जाओ, गूगल पे सर्च करो कि हाउ टू राइट अ ब्लॉग, हाउ टू मेक मनी थ्रू ब्लॉगिंग, तो उसमें लोग बस आपको जनरल आइटम्स बता देते हैं कि ऐसे ब्लॉग्स लिखना है, हेडिंग डाल दो, कीवर्ड डाल दो, आपके ब्लॉग कंप्लीट हो गए। बट नहीं, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। SEO के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता, टेक्निकल SEO हो गया, ऑन पेज SEO हो गया, ऑन पेज SEO हो गया, पेज को इंडेक्स कैसे करते हो। अगर आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो तो उसमें आप एल्गोरिदम को कैसे बीट करते हो, तो ये सब काम आप जब तक करोगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। सही, और लोग करते ही नहीं। और एक तो वो AI आ गया है, तो AI के चलते लोग बस कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, तो उसमें और राइटर्स का डिमांड जो है वो और ज्यादा हाई हो गया है। बिल्कुल, अभी AI पे भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, 4 साल पहले मैंने SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे, मैंने बताया हुआ है कि ऑन पेज कैसे करना है, ऑफ पेज कैसे करना है, कीवर्ड डिस्कस कैसे करना है। अब लोग देखते ही नहीं तो मैं क्या करूं, है ना, लोगों को शॉर्टकट चाहिए। तो हालांकि मैंने बताया हुआ है और यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा थंबनेल कि जो हमने वीडियो बनाया हुआ है। ओके, तो AI से याद आया कि जैसे अभी आज के टाइम में जैसे हम लोग भी हायर करते रहते हैं राइटर्स, जैसे हमारी एक अभी न्यूज ब्लॉग चल रही थी, अच्छा चल रहा था, अभी थोड़ा सा डाउन है, अपडेट में हिट हो गया था, तो उस पे जो हम राइटर्स लाए थे तो कुछ राइटर्स तो बहुत अच्छा कर रहे थे, कुछ राइटर्स क्या करते थे, न्यूज हम पोस्ट कर देते, तो उन लोग क्या करते हैं कि दूसरे किसी साइट पे न्यूज देखा इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेट किया हिंदी में और डाल दिया, या फिर ChatGPT को बोल दिया थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश कर दिया, फिर उसको ट्रांसलेट करके डाल दिया। अब इस चक्कर में अपडेट हिट हो गई, गूगल का अपडेट आया, हिट हो गया। तो ऐसे क्या आप लोग ChatGPT वगैरह का यूज करते हो कंटेंट के लिए, कैसे यूज करते हो? ChatGPT यूज करते हैं बट पूरा कॉपी पेस्ट नहीं होता है, हम सिर्फ आउटलाइन के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने पॉइंटर्स दे दिए कि ये पॉइंटर्स है, अब उस पर वो एक आउटलाइन क्रिएट करके देता है, फिर उसमें जो कंटेंट फिलअप होता है वो हम क्रिएट करते हैं। एज अ क्लाइंट मेरे को कैसे पता चलेगा कि यार जो आपने आर्टिकल बनाया है कि आपने AI का यूज नहीं किया है या फिर AI से नहीं लिखवाया, खुद से लिखा, कैसे पता चलेगा? सबसे पहला तो ये कि AI जो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करता है वो वर्ड्स देख के आप पहचान जाओगे कि ये AI रिटन चीज है। अगर आप आंखों से नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर बहुत सारे टूल्स भी आते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। अब यह है कि फ्री टूल्स का क्या है कि उसको तो आप बाईपास कर सकते हो, बट सर्टेन पेड टूल्स है जिनको आप बाईपास नहीं कर सकते। और ये भी तो है ना, कई सारे ऐसे टूल्स भी हैं जो ऐसे रिफ्रेश करता है कि वो ह्यूमन रिटेन में कन्वर्ट कर देता है AI। ये आप ChatGPT से भी कर सकते हो। अगर आप ChatGPT पे कंटेंट क्रिएट करे हो तो आप बस लिख दो कि रीराइट लाइक अ ह्यूमन, तो वो थोड़ा सा ह्यूमनिफाई कर देता है, बट फिर भी आप एक दो वर्ड्स ऐसे जो आप पकड़ लोगे कि ये AI रिटेन ही है। तो मतलब कि कोई बंदा चाह रहा है कि
एज ए कॉन्टेंट राइटर अपना करियर बनाना चाह रहा है और यूज करेगा चैट जीपीटी का, ऐसे कि लाइक उससे ही लिखवा दिया पूरा। जैसे आपने बताया कि आप सिर्फ आउटलाइन के लिए आप इस्तेमाल करते हो, बट किसी ने ऐसे क्या किया कि भाई बोल दिया कि चैट जीपीटी इस पे लिख दो आर्टिकल, और उससे लंबे समय तक वो पैसे नहीं बना पाएगा, कभी ना कभी पकड़ा जाएगा ना। जैसे अभी के टाइम पे हमारे सारे राइटर्स हमने फायर कर दिया, अभी नए हमने हायरिंग करने शुरू करी, तो इसमें स्ट्रिक्टली हम ध्यान रखेंगे कि भाई कौन कैसे आर्टिकल बना रहा है। इनफैक्ट हम चाह रहे हैं इन हाउस करना, क्योंकि हमारे सामने जब आर्टिकल बनाएगा तो हम तो देख ही लेंगे भाई कैसे बना रहा है। बट रिमोट में थोड़ा सा इश्यू है कि भाई रिमोट में बंदा कैसे बना रहा है कैसे पता चलेगा। तो यार आपने अपने आप को आप स्किल कैसे किया थोड़ा ये बताइए कि लाइक कंटेंट राइटिंग में इतना कैसे लोग पे कर रहे हैं, आपने हाई पेइंग क्लाइंट को कैसे रीच आउट किया ये थोड़ा बताइए। शुरुआत में तो इंडियन मार्केट को ही जानता था मैं, बाहर का मार्केट का आइडिया नहीं था। मेरे कॉलेज में एक क्लासमेट थी, वो ट्विटर पे बहुत अच्छा कर रही थी, तो उसको पता था कि मार्केट में चल क्या रहा है। होता क्या है कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबसे आगे लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट है। अगर कोई भी इंडस्ट्री इनसाइट आता है, कोई नया ट्रेंड आता है, तो सबसे पहले वो ट्विटर पे ही आता है। बिल्कुल। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम ट्विटर स्टार्ट करो, तो फिर मैंने ट्विटर स्टार्ट किया। उस पर मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करने लगा, फॉलोइंग बढ़ाने लगा। फिर वहां से मुझे पता चला कि कंटेंट राइटिंग सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं है, उसमें भी बहुत सारी चीज है। ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग में भी टेक्निकल ब्लॉग राइटिंग, फाइनेंस राइटिंग, कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया राइटिंग, गोस्ट राइटिंग। तो ये सब धीरे 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 मैं ट्राई करने लगा। कॉपी राइटिंग ट्राई करी, गोस्ट राइटिंग ट्राई करी। फिर ये सब चीजें जब ट्राई करी, जो चीज क्लिक हुई उस क्लिक पे फिर मैं डबल डाउन करने लगा। ओके। अब जैसे गोस्ट राइटिंग मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ब्लॉग राइटिंग से भी ज्यादा। गोस्ट राइटिंग क्या होता है थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को। गोस्ट राइटिंग ये होता है कि आप किसी और के लिए लिखते हो, जैसे सोशल मीडिया पे। हाँ, आपको कंटेंट क्रिएट करना है, आपके पास टाइम नहीं है, बट मैं आपके बिहाफ पे लिख रहा हूँ और वो पब्लिश हो रहा है आपके अकाउंट से। बराबर। तो लोगों को लग रहा है कि आपने लिखा है, बट लिखा मैंने, मैं बैकग्राउंड में। यूजुअली जैसे लिंक्डइन पे हम बड़े बड़े पोस्ट देखते हैं, वो ज्यादातर गोस्ट राइटर्स ने ही लिखा होता है। गोस्ट राइटर्स ने ही लिखा, मतलब गोस्ट राइटर्स का मतलब हो गया कि उनका नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि लिखा उन्होंने बट उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। जा रहा है कि जो बंदे का, जिस बंदे का अकाउंट है उसका नाम हो रहा है कि उसने लिखा है। यूजुअली अगर ब्लॉग्स पे हम लिखते हैं तो कई बार बायलाइन आ जाता है, नाम आ जाता है ऑथर का कि किसने लिखा है, वहां पे क्रेडिट मिल जाता है। गोस्ट राइटिंग में क्रेडिट नहीं होता है। तो इसके चार्जेस ज्यादा होते हैं, इसके ऑब्वियसली चार्जेस ज्यादा होते हैं, इसकी डिमांड भी ज्यादा है आजकल। हाँ, क्योंकि सबको पर्सनल ब्रांड बनाना है। सबको पर्सनल ब्रांड बनाना है और सबका अटेंशन स्पैन भी कम हो गया है, तो कोई लंबा ब्लॉग्स नहीं पढ़ता कोई। अब लोग बस शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट पढ़ रहे हैं और या वीडियोज देख रहे हैं, तो फिर उसकी डिमांड ऑलरेडी ज्यादा है, तो पैसे भी ज्यादा है। हाई पेइंग क्लाइंट्स कैसे अपने रीच आउट? हाँ, तो हाई पेइंग क्लाइंट्स का ये है कि जब ट्विटर पे मैंने स्टार्ट किया, तो फिर मेरा कनेक्शन ऐसे ऐसे लोगों से बना जो राइटर्स ही हैं, मेरे ही एज के हैं, मेरे जितना ही एक्सपीरियंस है, बट वो मेरे से 10 गुना कमा रहा है। और वो सिर्फ पहला ट्रिक ये है कि वो इंडियन क्लाइंट्स नहीं उठा रहे, वो बाहर के क्लाइंट्स उठा रहे। ओके। और बाहर के क्लाइंट्स के लिए $1,000-$2,000 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उससे ज़्यादा वो रेंट पे कर देते हैं। तो फिर पहला की यही है ज़्यादा पैसे कमाने का, कि आप इंडियन क्लाइंट्स को छोड़ो, आप US और UK के क्लाइंट्स को उठाओ। ओके। ठीक है, तो वहाँ पर आपका मार्जिन भी ज़्यादा है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, बट आपको सीखने को भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि कोई भी ट्रेंड अगर इंडिया में आ रहा है, पहले वो वहीं से जनरेट होता है, तब वो यहाँ बड़ा होता है। बट ये भी तो है ना कि आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा कि आप इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना हाथ पाँव जमा पाओ। हाँ, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है, और उसका कोई ट्रिक है नहीं, ट्रिक नहीं कि आप कैसे आप क्रिएट करते हो। आप ये बताना चाहोगे कि लाइक यूजुअली आपने बताया कि 20 पैसे 22 पैसे के आसपास में आप पहले लिखते थे पर वर्ड के हिसाब से, आज आप एक आर्टिकल का कितना चार्ज कर रहे हैं? आज एक आर्टिकल का 20 से 25 हजार। 20 से 25 हजार रुपए, क्या बात है। तो आप जैसे लोग बोलेंगे यार ये तो ऐसे ही हवे में फेंक रहा है, तो कुछ अगर आप बता पाओगे कि कैसे हम प्रूफ कर पाए इस चीज को, अर्निंग प्रूफ या फिर कुछ ऐसा? मैं पेपाल या डील के अपने जो पे आउट्स आते हैं वो दिखा सकता हूँ। डील क्या चीज है? डील एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हो, साइन कर सकते हो, पेमेंट वगैरह सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से जो पेमेंट्स आते हैं भाई, अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग रिफ्रेश करके थोड़ा दिखा देना। वैसे अभी मैंने बैकएंड में चेक किया है, तो ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश के वीडियो, आपको ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। बाकी हम भाई से अभी रिपोर्ट लेके हम दिखा देंगे और आपको रिफ्रेश करके दिखा देंगे। तो एटलीस्ट आप 1 महीने का दिखा दोगे, लेटेस्ट 1 महीने का? हाँ, दिखा। ठीक है, तो 1 महीने का रिपोर्ट भाई साहब दिखा देंगे। ठीक है शैलेश भाई, मैं आपको पेमेंट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले आप पेपाल का देख लीजिए, लेटेस्ट अभी कुछ दिन पहले ही हमारा ये तो कट गया, लेकिन क्लाइंट हमारा 2 लाख रुपए का है, 2 लाख पर मंथ। ठीक है, तो एक क्लाइंट से हमें 2 लाख रुपए आ रहे हैं। वाइज में आप देख लो तो ये एक साठ, ये भी $2,000 per month का क्लाइंट था। डील में आप देख लो तो $1,000 30 अप्रैल 29 मार्च 29 फरवरी 31, तो ये लगभग 7-8 महीनों से $1,000 आ रहे हैं, इस महीने फिर से आने वाले हैं। डील का आप देख लो $750 यहाँ से हर महीने आ रहा है हमें, 60, 61, 62 के आसपास 4 महीनों से ये आ रहा है। तो $750 और
ये तो लगभग $2,500, तो $4,000-5,000 हर महीने आ रहा है हमारा। अब स्टेट बैंक का अकाउंट मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सीधे अकाउंट में आ रहा है जो हमारे इंडियन क्लाइंट्स हैं उनसे, जैसे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि फाउंटेन मेकर स्पेस करके, इससे हर महीने हमारा 90,000 आता है कंसिस्टेंटली, ये लगभग पिछले 1.5 साल से आ रहा है। 81,000 हमारा इससे आ रहा है सॉफ्टवेयर कंपनी जो है, तो हमारा ये लगभग हर महीने इतने का ट्रांजेक्शन हमारा रेगुलर हो रहा है लमसम $4,000-5,000 का। ओके, अभी आपके टीम में कितने लोग हैं? अभी मुझे लेके 3 लोग। 3 लोग हैं, तो क्या आपका एक्सपेंस जाता है पर महीने का? अगर आप सैलरी और टूल्स वगैरह जो भी हम यूज करें, सब्सक्रिप्शन सब इंक्लूड कर लो, तो 70,000-80,000 का एक्सपेंस है। 70,000-80,000 हर महीने जाता है आपको? हाँ। और इसके लिए ऑफिस आपने बना रखा है? ऑफिस नहीं, रिमोट वर्क है सर। रिमोट वर्क मतलब आपके जो बंदे हैं वो भी घर से काम? हाँ, घर से काम। उनको कैसे हायर किया था आपने? एक कम्युनिटी ज्वाइन करी है मैंने, एजेंसी ओनर्स और फ्रीलांसर्स, वहां से मुझे एक पार्टनर मिली थी, ओके, फिर वो लीड जेन पर्सन को लेके आए थे, तो अभी हमारा 3 का टीम है। बढ़िया। तो ये लोग आपके लिए क्या करते हैं? एक बंदा है वो हमारे लिए क्लाइंट्स लेके आता है, कॉल्स बुक करता है, तो उसका मेन पर्पस लीड जनरेशन है मेरा लिंक्डइन यूज करके। ओके। जो दूसरी बंदी है वो मुझे क्लाइंट को सर्व करने में हेल्प करती है। जैसे हमारा 2 सेगमेंट है, एक पर्सनल ब्रांडिंग का है, एक सेगमेंट है जहाँ पे हम क्लाइंट के लिए क्लाइंट्स लेके आते हैं, उनके लिए डायरेक्ट मनी जनरेट करने का काम, तो वो काम मैंने उसको डेलीगेट कर रखा हुआ है। ओके। एक चीज और बताइए, जैसे आपने बताया कि टूल्स पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या क्या टूल्स आप यूज करते हैं? अब जैसे क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए स्लैक हो गया, और नोशन का प्रो ले रखा है, नोशन लाइक लिखने के लिए, लिखने के लिए जितना भी क्लाइंट का कॉन्टेंट है या टेबल, सब कुछ वहीं पे मैनेज होता है। तो नोशन पेड आता है कि फ्री आता है? फ्री भी है, बट एक लिमिट है उसका कि आप इतना ही स्पेस उस पर यूज कर सकते। और कौन से टूल्स आप यूज करते हैं? कैलेंडरी का हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है कॉल बुक्स करने के लिए, तो ये 2-3 चीज है। ग्रामरली वगैरह भी है? ग्रामरली वगैरह का उतना यूज पड़ता नहीं, फ्री से हो जाता है, दादाजी ने इतना सिखाया है कि हो जाता है। बढ़िया बढ़िया। और एक चीज बताइए, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्लाइंट्स के लिए हमें लिंक्डइन पे एक्टिव होना जरूरी है, लिंक्डइन पे हमें अपने काम को दिखाना जरूरी है, तो आप क्या मानते हो आपके लिए बेस्ट क्या है रास्ता जहाँ से हम क्लाइंट्स को रिच आउट कर पाए? जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि भाई मेरे पास स्किल तो आ गया, अब इस स्किल को मैं सेल कहाँ करूँ, किसको मैं पिच करूँ, किसको मैं रिच आउट करूँ, तो एक बिगिनर कैसे करेगा? वो देखिए, हर प्लेटफॉर्म का अपना अपना सेगमेंट है। अगर आप कॉर्पोरेट के लोगों को, CEOs, फाउंडर्स को आप टारगेट करना चाहते हो, तो लिंक्डइन बेस्ट है आपके लिए। अगर आपको सोलोप्रेन्योर्स या फिर एजेंसी ओनर्स को टारगेट करना है, तो ट्विटर बेस्ट है। ओके। और बाकी अगर क्रिएटर्स फील्ड में जाना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम और बेस्ट है। तो आपको अपना डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी ICP कौन है, फिर बहुत सारे टारगेट करते हो। बढ़िया बढ़िया। तो एक बिगिनर के लिए कितना मुश्किल होगा पहला क्लाइंट लाना? सबसे पहले तो ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल, अगर आपको सही तरीका पता है, और तरीका बहुत आसान है, बस लोग मेहनत नहीं करना चाहते। सबसे पहले ये कि आप अपने आप को स्किल डेवलप करो, उसके बिना कुछ होना नहीं है। स्किल डेवलप हो गई तो आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे, और एक बार आपका पोर्टफोलियो बन गया तो आपका सिर्फ एकमात्र काम बचता है प्लेटफॉर्म चूज करके अपने आइडियल क्लाइंट्स को रीच आउट करना। अब होता क्या है कि लोग 10-10 DMs करेंगे, 50 DMs करेंगे, और फिर छोड़ देंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, बट आपको 100, 500, 1000 DMs भी करने पड़ेंगे पहला क्लाइंट लाने के लिए। और जितनी फ्रीलांसिंग साइट्स हैं इन पे प्रोफाइल बनाना चाहिए? मेरे मानने में तो नहीं, क्योंकि अब वहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा हो गया है, बिगिनर्स के लिए वो बिगिनर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं रहा। वहाँ पे जो स्टैब्लिश हो गए उनके लिए तो ठीक है, बट अगर आप नए हो तो सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। डायरेक्टली आप बंदे को रीच आउट करो? हाँ, डायरेक्ट। तो भाई ये जो आप 4-5 लाख रुपए कमा रहे हो हर महीने, तो आप इन पैसों को इन्वेस्ट भी करते हो? हाँ। कहाँ इन्वेस्ट करते हो? मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा। बाकी सारा तो मैं पापा को दे देता हूँ। अच्छा, पापा को दे देते हैं सारा? सारा पापा को। घर वालों का क्या रिएक्शन है? जैसे अभी आप जॉब कर रहे हो? नहीं, जॉब नहीं कर, फुल टाइम आप यही कर रहे हो? हाँ, तो जॉब आपने छोड़ा तो क्या बोल के छोड़ा कि जॉब नहीं करना? मैंने बताया तो था कि मुझे खुद की एजेंसी स्टार्ट करनी है। अब थोड़ा सा स्केप्टिकल तो रहते हैं लोग कि जॉब है, सिक्योर रहता है, ट्राई करो, बट लेकिन एक बार अगर आप जॉब कर लेते हो तो आपको तो जॉब कभी भी मिल सकती है। हाँ। फिर से अगर जैसे मान लो, अगर बाई चांस, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर बाई चांस हमारी चीजें नहीं वर्क कर रही है, तो हम जॉब तो फिर कर ही सकते हैं। हाँ, exactly, आप कर सकते हो। हाँ। क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो फिर उसमें उतना मैटर नहीं करता, बट अगर आपको रिस्क लेना, अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हो, तो फिर वो बेस्ट चीज है। बढ़िया। तो क्या रिएक्शन है घर वालों का अभी आप इतना बढ़िया कर रहे हो? शुरू में तो थोड़ा गुस्सा थे, बट अभी बढ़िया है। बढ़िया है, सब बढ़िया, क्योंकि भाई भी हमारे यहाँ से आते हैं, लाइक देवरिया से भी, अम्मी देवरिया से है, तो मेरे को तो 3-4 साल लग गया समझाने में कि हाँ भाई चीजें सही चल रही हैं। तो इन्वेस्ट आप कहाँ पे? म्यूचुअल फंड में ही करते हो? हाँ, म्यूचुअल फंड्स में। ओके। और अभी तक आपने कुछ ऐसा, आपका बिगेस्ट परचेज क्या रहा है? ऐसा कुछ खास नहीं, बस मैंने कि आईफोन ही लिया था, वो भी सिर्फ वीडियो। भाई पैसे सारे घर वालों को दे देते हो? सारे पैसे मैं घर वालों को देता हूँ, बस ट्रैवलिंग का शौक है मुझे, ट्रैवलिंग के लिए महीने के 20-25 हज़ार अपने पास रखता हूँ। तो कहाँ कहाँ घूमे हुआ? बहुत जगह घूम चुका हूँ, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड। अकेले की गर्लफ्रेंड के साथ? गर्लफ्रेंड नहीं है, दोस्तों के साथ घूमता हूँ। भाई झूठ बोल रहे हो।
तो अभी तो जैसे मान लो आप राइटिंग कर रहे हो, राइटिंग में चीजें कर रहे हो, और भी आपने बताया कि दूसरा आप क्या चीज कर रहे हो, एजेंसी है, पर्सनल ब्रांड आप बना रहे हो। तो अभी जैसे जो नए लोग देख रहे हैं वीडियो को, जो ऑनलाइन कुछ अपना आजमाना चाहते हैं, हाथ पाओ इधर उधर मार रहे हैं, जम नहीं रहा है, तो उनको क्या सजेस्ट करोगे, क्या करना चाहिए? पहले तो लोग गलती ये करते हैं कि वो चार जगह एक साथ हाथ मार रहे हैं। आपको वो बंद करना पड़ेगा, किसी एक चीज को पकड़ो, उस पर आपको रीआइट्रेट करना पड़ेगा बार बार, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अब मेरे घर में सिर्फ मुझे छोड़ के सिर्फ एक आदमी है जो बिजनेस करता है, और उसने मुझे सिखाया था, मतलब जब मैं एजेंसी स्टार्ट कर रहा था तब उन्होंने मुझे बताया था कि किसी एक चीज़ को पकड़ो और उसको सिर्फ 4 महीने दो, बट 4 महीने पूरी लगन से दो। अगर वो 4 महीने में क्लिक होता है तो फिर वो चल जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर दूसरी चीज़ पकड़ लो। ओके, बढ़िया, ये भी अच्छा आइडिया है कि भाई हम एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, बट एक समय के बाद, बट एक समय अपना पूरा फुल पोटेंशियल देने के बाद हम दूसरी चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। मतलब देखो, ट्राई तो करना पड़ेगा, और सारा खेल ट्रायल एंड एरर का ही है, क्योंकि एक बार में आप चाहते हो कि आपकी स्क्रिप्ट लिख दी जाए और मूवी हिट हो जाए तो भाई इतना आसान नहीं है। आपको चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, मल्टीपल चीज़ें, बट वही है कि एक समय पे एक चीज़, और उसको भी थोड़ा एक समय देना है, फिर जाके अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है तब जाके कोई और चीज़ ट्राई करनी है। बहुत सही सजेशन आपने दिया, थैंक यू सो मच सुश्रुत भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा आज का वीडियो देखकर। और भाई ने जो रिपोर्ट दिखाया वो आई होप कि एडिटर साहब ने लगा दिया होगा। तो उम्मीद है, देखो यार, शुरुआत छोटे से ही होता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें बड़ी होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अगले साल 5 का 50 करो, और हमारी यही शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहली बार आए हो तो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को मैं बुलाता रहता हूँ, और ऐसे मैं खदान से ढूंढता हूँ भाई, एकदम हीरा सोना आदमी लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को थोड़ा भी प्रेरणा मिले और आप लोग भी अपने लाइफ में मचाओ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।